एक गांव में रंगीला नाम का एक गरीब अनाथ नौजवान रहता था। उसके पास थोड़ी सी खेती और एक गाय थी। वो खेत में सब्जियां उगाता था और उससे अपना खर्च चलाता था। दूसरी तरफ उसकी गाय का दूध पीने और बेचने के काम आता था। एक बार पूरे क्षेत्र में सूखा पड़ गया। जल के अभाव का प्रभाव खेती पर पड़ा और फसल सूख गई। रंगीला बीमार हो गया। सूखे की मार ने बीमार रंगीला को पूरी तरह लाचार कर दिया। उसकी सब्जी की खेती पूरी तरह चौपट हो गई, इसलिए उसके खाने के भी लाले पड़ गए। दूसरी तरफ उसकी गाय रानी के लिए भी चारे की किल्लत होने लगी। धीरे धीरे आसपास की घास भी नदारद हो गई। रंगीला ने गाय रानी को अपने क्षेत्र से दूर भेजने का फैसला कर लिया। रानी, यहाँ के बुरे हाल ने मुझे कंगाल बना दिया है। मैं खुद लाचार बीमार हूँ, अपना पेट नहीं भर सकता, भला तुम्हें क्या खिलाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम कहीं दूर चली जाओ, जहाँ तुम्हें पेट भरने के लिए चारा मिल सके। गाय रानी चुपचाप खड़ी रही। उसे रंगीला की वो राय स्वीकार नहीं थी। रंगीला ने तो रानी को दूर भेजने की बात ठान ही ली थी। वो हिम्मत करके उठा और रानी गाय को लेकर चल पड़ा। उसे रास्ते में भूख लगी तो परेशान हो उठा। मुझे बहुत भूख लगी है, यहाँ तो आसपास खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। आगे बढ़ने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। रानी, तुम्हें भी तो भूख लगी होगी, रुक जाओ, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। रंगीला ने आसपास से पेड़ की पत्तियाँ तोड़ी और रानी के सामने रख दी। रानी ने उन पत्तियों को मुंह भी नहीं लगाया। रंगीला समझ नहीं पा रहा था कि आखिर रानी खा क्यों नहीं रही है। रानी वहाँ से तुरंत दूर जाने लगी तो रंगीला ने सोचा कि चलो ठीक ही हुआ। वो शांत होकर सोच रहा था कि उसे रानी लौट कर आती हुई दिखाई पड़ी। उसने ध्यान से देखा तो रानी के मुंह में एक बड़ा सा पका हुआ पपीता था। रानी ने वो पपीता रंगीला को दे दिया और खाने का इशारा किया। रानी की मंशा साफ थी, वो रंगीला को भूखा रख कर पत्तियां भला कैसे खा सकती थी। जब रंगीला पपीता खाने लगा तब रानी ने भी पत्तियों को मुंह लगा लिया। इसके साथ साथ वो बीच बीच में रंगीला को इस प्रकार निहारती जैसे कोई माँ अपने बच्चे को ममता भरी नजरों से देख रही हो। रंगीला का पेट भर गया तो उसे नींद आने लगी। वो पास में ही सो गया। कुछ देर के बाद उसके ऊपर जब धूप आने लगी तब रानी गाय ने उसके पास खड़ी होकर पूरी छत्र छाया का काम किया। जब रंगीला की नींद खुली तो उसने देखा कि उसकी प्यारी रानी गाय उसके पास ही खड़ी उसे धूप से बचा रही थी। उसके बाद वो रानी को लेकर आगे बढ़ गया। वो एक जंगल से गुजर ही रहा था कि उसे अच्छा चारागाह दिखाई पड़ा। रानी, तुम्हारे लिए ये जगह अच्छी रहेगी, यहाँ चारागाह है, पास में नदी है, तुम यहीं रह जाओ और मुझे जाने दो। रानी तैयार नहीं थी और रंगीला उससे मुंह मोड़कर अपनी आंखों में आंसू लिए हुए जैसे ही जाने लगा उसे रुकना पड़ा। रानी ने पीछे से उसका कपड़ा पकड़ लिया। वो इशारा करने लगी कि जैसे कह रही हो मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं जहाँ रहूंगी तुम्हारे साथ ही रहूंगी। रंगीला समझ नहीं पा रहा था कि रानी से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मजबूर होकर वो रुक गया। कुछ देर के बाद रात हो गई। रंगीला के मन में कई बातें चल रही थीं। रात और जवान हुई तो थकान के कारण रानी गाय को नींद आ गई। रंगीला के लिए यही सही मौका था। वो दबे पांव वहां से चल पड़ा। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। जंगल में आगे बढ़ा जा रहा था, अचानक उसने सामने से आते हुए एक चीते को देखा तो डर कर कांपने लगा। चीता जैसे ही उस पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा उसी समय रानी गाय बीच में आ गई और उसने अपने सींग से चीते को उठाकर फेंक दिया। चीते ने रानी को पंजा मारा तब रानी ने उसे सींग से फिर पछाड़ा। चीता अपनी जान बचाकर भागा। रंगीला ने अपनी प्यारी रानी गाय को चूम लिया। रानी, मैं जानता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, चलो अब सुख दुख जो भी होगा साथ में सहेंगे और साथ में ही रहेंगे। रंगीला अपनी प्यारी रानी गाय को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। वो जैसे ही अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा, उसी समय रानी ऊपर आकाश की तरफ देखने लगी। उसने अपना निवेदन भगवान के पास पहुंचा दिया। रानी और रंगीला ने इन खुशियों की सौगात का खुले दिल से स्वागत किया।
नम्रता सवेरे सवेरे जैसे ही घर के बाहर कदम रखती है, उसे एक सफेद रंग की गाय द्वार पर खड़ी हुई दिखाई पड़ती है। वह उसे ध्यान से देखती है और फिर सोचती है, आजकल बहुत सारी गायें घूमती रहती हैं, उनमें से यह भी एक है। गाय आशा भरी नजरों से नम्रता को देखने लगती है। नम्रता को ऐसा लगता है शायद वह प्यासी है, इसलिए वह उसके लिए बाल्टी में पानी लेकर आती है। गाय पानी तो पीती है, लेकिन वहाँ से हटने का नाम नहीं लेती है। नम्रता के पति राकेश बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ? क्या बात है? किस काम से बड़ी देर से बाहर खड़ी हो? यह गाय दरवाजे पर आ गई है। मैंने पानी पिलाया, फिर भी ये यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसा लगता है इसे हमारे घर की दहलीज प्यारी लग गई है। यह कहीं अन्यत्र न जाकर हमारे यहाँ आकर खड़ी हो गई है। अरे ये भटकने वाली गाय है, अंदर आ जाओ, ये कुछ देर के बाद अपने आप चली जाएगी। नम्रता के मन में कई बातें चलने लगती हैं, लेकिन वह आगे बोलना उचित न समझकर घर के अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद नम्रता का छोटा बेटा आलोक घर के बाहर निकल जाता है। नम्रता को बाहर शोर सुनाई पड़ता है। वह बाहर देखती है तो बहुत सारे जानवर दौड़ रहे होते हैं। उसे वह सफेद गाय वहीं खड़ी हुई दिखाई पड़ती है। आलोक के रोने की आवाज आती है। नम्रता दौड़ कर देखती है तो उसी गाय ने आलोक को अपने चारों पैरों के बीच में रखकर सुरक्षा दी हुई रहती है। उसके आसपास से दूसरी कई गायें दौड़ रही होती हैं। नम्रता के वहाँ पहुँचने तक सभी गायें चली जा चुकी होती हैं। सफेद गाय धीरे से पास में हट जाती है। नम्रता दौड़कर अपने बच्चे आलोक को उठा लेती है। तब तक राकेश भी बाहर आ जाता है। मेरा बच्चा, गाय ने आलोक को साफ बचा लिया, वरना जानवरों की भगदड़ में न जाने क्या होता। देखे ना, ये तो गर्भवती भी है। भगवान ने इसे हमारे पास भेज दिया है, हम इसे अपने साथ रखेंगे। नम्रता, तुम्हें तो पता है कि हमारे हालात अच्छे नहीं है, इसके चारे का इंतजाम कैसे होगा? मैं इसे घास छील कर खिलाऊंगी, आसपास के क्षेत्र में चरने के लिए भी छोड़ दूंगी। नम्रता की इच्छा के सामने राकेश भी तैयार हो जाता है। नम्रता उसके खाने का प्रबंध करती है। उसका नाम वह नंदिनी रख देती है। नंदिनी के कदम पड़ते ही उनके घर में खुशियाँ आने लगती हैं। राकेश को लॉटरी में 10 लाख रुपए का पहला इनाम मिल जाता है। वे सब खुशी के मारे झूमने लगते हैं। उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। राकेश, नम्रता और आलोक तीनों के साथ नंदिनी बहुत सुखपूर्वक रहने लगती है। राकेश घर के बहुत सारे सामान, अच्छे कपड़े और नम्रता के लिए गहने भी लेता है। एक बड़ा खेत खरीदने के लिए वह बहुत सारे रुपए घर पर रख लेता है। कुछ दिनों बाद रात के समय एक चोर राकेश के घर से सोना चांदी और रुपए चुरा लेता है। वह चोरी का सामान समेट कर जैसे ही घर के बाहर निकलने लगता है, उसके रास्ते में नंदिनी आकर खड़ी हो जाती है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन नंदिनी उसे सींग से मार कर गिरा देती है। वह फिर से भागना चाहता है, पर नंदिनी उसे दोबारा सींग मार कर गिरा देती है। इतने में राकेश और नम्रता आ जाते हैं। चोर पकड़ा जाता है। वाह नंदिनी, इतनी बड़ी चोरी करने वाले चोर को पकड़ा दिया, हमारा धन बचा लिया। तुम सचमुच हमारी रखवाली हो नंदिनी। अचानक नंदिनी के पेट में दर्द होने लगता है। वह परेशान हो जाती है, इधर उधर घूमने लगती है। राकेश परेशान हो जाता है। देखिए, परेशान मत होइए, हमारी नंदिनी बच्चे को जन्म देने वाली है। कुछ देर के बाद नंदिनी एक सुंदर प्यारे से बछड़े को जन्म देती है। घर में खुशहाली छा जाती है। बछड़े का नाम गोलू रख दिया जाता है। गोलू घर की रौनक बन जाता है। नंदिनी के दूध से राकेश के घर में ही पर्याप्त मात्रा में दूध, दही, घी होने लगता है। एक वर्ष बीत जाता है। एक दिन राकेश नंदिनी को चराने के लिए पास के जंगल में लेकर जाता है। अचानक दो भयानक भेड़िये राकेश के पास आकर गुर्राने लगते हैं। राकेश डर जाता है। वह अपने आप को बचाने के लिए चारों तरफ देखने लगता है। दूर चरते हुए नंदिनी राकेश को भेड़ियों से घिरा हुआ देख लेती है। वह वहाँ से दौड़ती हुई राकेश के पास आ जाती है। राकेश का भय दूर हो जाता है। मेरी प्यारी नंदिनी आ गई। नंदिनी ढाल बनकर
राकेश के सामने खड़ी हो जाती है। एक भेड़िया राकेश की तरफ तेजी से आता है, उसे सींग मारकर नंदिनी दूध उछाल देती है। तब तक दूसरा भेड़िया आगे बढ़ता है, उसे भी वह सींग मार देती है। राकेश एक लकड़ी लेने जाता है, उसी बीच नंदिनी के पैर में एक भेड़िया काट लेता है। राकेश लकड़ी लेकर आता है और भेड़िए को बड़े जोर से मारता है। राकेश और नंदिनी मिलकर दोनों भेड़ियों को मारकर भगा देते हैं। राकेश राहत की सांस लेता है। नंदिनी, आज तुमने मुझे बचा लिया, तुम सचमुच हमारी रक्षक बन गई हो। राकेश अगले ही पल नंदिनी के पैर का घाव देखकर बहुत दुखी हो जाता है। वह तुरंत नंदिनी के पैर पर कपड़ा बांध देता है और जानवर के डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए लेकर जाता है। नंदिनी सदैव एक बेजुबान प्राणी होकर भी बड़ी ही वफादारी के साथ राकेश और उसके परिवार का रक्षण करती है। इसी तरह वह सदा के लिए वफादारी की एक बड़ी मिसाल बन जाती है।